हेलो गाइस, मैं सर संतोष कुमार, वर्कशॉप ट्रेनर, मोटर कार ड्राइविंग स्कूल। जैसा कि आप जानते हैं कि बारिश में इतने एक्सीडेंट क्यों होते हैं, क्या रीज़न होता है इसका, तो आज सिंपल सी चीज़ें हैं जो लोगों को बहुत कुछ के बारे में नहीं पता है कि एक्सीडेंट बारिश में हो क्यों जाते हैं। तो जैसे कि आप सामने देख सकते होंगे, जैसे कि वेपर तो सभी लोग चला लेते हैं और चलाना भी चाहिए, ज़रूरी होता है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे वाइपर चलता है, कितने नंबर तक होता है और क्या क्या यूज़ करना चाहिए बारिश में, जिसके कारण एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हो। सबसे पहले चीज़ ये, एक मिनट, बारिश में जो राइट का या फिर लेफ्ट का ये जो साइड मिरर होते हैं बिल्कुल भी दिखने बंद हो जाते हैं, जैसे कि बारिश हो रही है, ठीक है। तो ये दो नंबर पर वाइपर चल रहा है, ठीक है, ये दो नंबर के हिसाब से बारिश हो रही है, ठीक है। और ये हाई पे चलेगा, ये देखिए तीन नंबर हो जाता है, ठीक है। ये हाई, लो, मीडियम साइज, हाई बीम, इतने में सिस्टम होते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे होंगे, इसमें धीरे धीरे फॉग जमना शुरू हो गया, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए और एक्सीडेंट से कैसे बचा जाए। तो जैसे कि ये एसी है, ये चालू कर देते हैं, ऑन कर देते हैं, और ऑन करने के बाद जो यहाँ पे ये सिंबल देख रहे होंगे आगे डैशबोर्ड का, वहाँ पे एयर निकालना शुरू कर देगा। तो इसको हम पूरा घुमा के ऊपर कर देंगे, जिसके कारण अब ये एकदम क्लीन दिखने लगेगा अभी एक मिनट के अंदर अंदर। तो लोगों को मतलब दिखना बंद हो जाता है, जैसे न्यू स्टूडेंट लोग होते हैं जो कार चलाना शुरू कर देते हैं, उनसे कुछ ना कुछ गलतियाँ हो ही जाती हैं, जिसके कारण आगे दिखना बंद हो जाता है और अचानक कुछ भी हो जाता है। तो जब भी कार चलाएं बारिश में, तो एक दो नंबर पे एसी चला लें और फ्रंट का कर दें आगे का, जिसके कारण आगे जो फॉग जमता है वो ख़त्म हो जाएगा और जिससे आपको एक्सीडेंट से बचा जा सकता है। और अगर जो आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, और उसके साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, जिससे कि मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ जिसके कारण आपको वीडियो मिल सके। और भी दोस्तों, अगर जो आपको एक छोटी सी जानकारी मैं देना चाहूँगा, कोई भी मोटर कार ड्राइविंग स्कूल वाला नहीं बताता है, आप जैसे क्लच छोड़ते हैं तो क्लच छोड़ते वक्त आपको कितना क्लच छोड़ना है तो कार बढ़ेगी, ओके गाइस। तो जैसे कि ये कार मैं यहाँ पे खड़ी कर देता हूँ, कार खड़ी हो गई, ये मैंने फर्स्ट गियर डाल दिया। फर्स्ट गियर डालने के बाद बस 20% क्लच छोड़िए, उसके बाद 30% छोड़िए, उसके बाद क्लच आप धीरे धीरे 30% छोड़ने के बाद आप एकदम से क्लच छोड़ दीजिए, कार ऑटोमेटिक ही इतनी अच्छी बढ़ने लगेगी, कुछ पूछिए नहीं, आप कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हल्का सा एक्सीलेटर लेके बढ़ा देते हैं, अगर पुरानी कार है तो एक्सीलेटर लेकर थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। और यहाँ का आप नज़ारा देख सकते हैं कितना बढ़िया है, और यहाँ पर बारिश भी हो रही है बहुत ही शानदार। और मैं अभी ओमेक साइड में हूँ, विभूतिखंड में। गाइस, जब भी क्लच छोड़े तो एकदम स्लो स्लो करके छोड़ें, एकदम रिलीज करें, और उसको एकदम से ध्यान एकदम से नहीं छोड़ना चाहिए, जिसके कारण आपकी कार बंद हो जाए बार बार। सिंपल सा है, जैसे कि ये देखिए मेरी फर्स्ट गियर में कार चल रही है और आप देख सकते हैं, बाकी मैंने बस क्लच छोड़ा हुआ है, हल्का सा एक्सीलेटर ले रहा हूँ बस, इतने में देखिए कितनी स्लो कार चल रही है। लोग पूछते हैं एकदम स्लो कार कैसे चलती, देखिए मेरा एक पैर इधर है और एक पैर वहाँ पर है, हल्का तो बस एक्सीलेटर बना के रखी है। देखिए स्पीड ब्रेकर भी मेरे क्लास कर लिए हैं और कार भी चल रही है एकदम स्लो, ये देख सकते हो इसकी क्या स्पीड है, ऐसे ही चला जाता है जैसे कि आप क्लच पे पैर भी रखे रहेंगे, हल्का सा एक्सीलेटर बनाए रहें बस, ठीक है गाइस। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करिएगा और लाइक भी करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।